अच्छा है, बाबा के अच्छे दर्शन हो गए आज। बहुत अच्छे। आज आपकी एनिवर्सरी है, कुछ अच्छा मांगा या नहीं मांगा मम्मी की लंबी उम्र के लिए? अच्छा तो बहुत कुछ मांगा, लेकिन ये मांगना भूल गई। आपको ये मांगना चाहिए था ना। नेक्स्ट टाइम जरूर मांगूंगी। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी जाके मांग सकते हो आप। एक्चुअली मंदिर एक ही बार जाते हैं, एक दिन में दो तीन बार ही थोड़ी जाते हैं। मार्केट से सामान भी लेना है, चलो कुछ ले लेते हैं। मंदिर आए हैं, भगवान जी की फोटोज कुछ तो लेके जाएंगे घर। हाँ हाँ चलो चलो जाओ। खुद ने तो मांगा नहीं होगा मम्मी के लिए, मुझे बोल रही कि मैं मांगू। मैं क्यों मांगू, मैंने तो अपने लिए बहुत कुछ मांगा है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले शॉल लेती हूँ। अरे दी दर्शन करके आ गया था, ये दोस्त की दुकान थी, मैंने कहा चलो बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, आप लोगों को तो समय मिलेगा। दर्शन कराया? हाँ हाँ। क्या मांगा भगवान से मेरे लिए? तेरे लिए मांगा, तेरी शादी बरकरार रहे, सदा सुहागन रहे। अरे वो तो रहेगी ना, मेरी मम्मी इतनी अच्छी क्यों है। मम्मी? हाँ मम्मी। मम्मी भी इससे कहाँ से आ गई? अरे मम्मी नहीं तो ये क्या है, आप दोनों को जोड़ के रखा है। ये साल वही है ना जो नीम करौली बाबा लेते थे? हाँ हाँ वही है, वही लग रहा है। और मम्मी कह रही थी गांव में है ना, मम्मी कह रही थी गांव में बहुत ठंड हो रही है, तो एक आध उनके लिए भी ले आना। तो एक काम करो, दो तीन उनके लिए ले ही लो। जब एक आध बोला तो दो तीन क्यों? अरे एक्स्ट्रा में रख लेंगी, क्या जाता है, गांव में है ना बेचारी ठंड बहुत हो रही है उधर। अच्छा तो एक काम करो, पेटीएम करवा लेना। हाँ। है ना भैया को बोल दो पेटीएम करा ले। फिर आप ले लो, मैं लड्डू ले लेती हूँ आगे से, प्रसाद भी तो लेना है घर के लिए। पेटीएम करवा ले, प्रसाद लेती हूँ मैं, आप करो। मेरे लिए भी एक ले लेना और अपने भैया के लिए भी करो। जब मुझे ही लेना है तो तीन चार क्यों, एक ही लेती हूँ मम्मी के लिए, एक ही पैक कर। क्यों आपके भैया तो इतने अच्छे थे, उनके लिए नहीं? नहीं 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 नहीं, ये ले पैसे। भगवान जी की मूर्ति भी तो लेनी है या फोटो? ये बहन देख कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं बाबा, तेरे को जो लेना है यहाँ से ले ले, बड़ी वाली ले ले इनकी मूर्ति, मेरे पास बहुत पैसे हैं। तेरे पास नहीं होते तो क्या मैं ले नहीं पाती हूँ, वैसे तेरे पास पैसे कहाँ से है? अरे तेरी ननद को चूना लगाया ना। कितने का? अरे 400 रूपए मेरी जेब के अंदर। कैसे? कम्बल था ना 400 रूपए का था, 800 का चिपका दिया उसको मैंने। दिमाग तो है तुझमें, घमंड कभी नहीं किया, घमंड करना भी नहीं चाहिए। हाँ ले 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 ले। पता नहीं दोनों कहाँ रह गए, पर मैं आ गई हूँ शॉप में, अच्छे से शॉपिंग कर लेती हूँ, मम्मी से पैसे जो लूटे हैं मजा आएगा। यार हर जगह नीम करौली बाबा है ना, चल हम भी कुछ ले। ये दीदी क्या कर रही है यहाँ पर, ये हमसे पहले कैसे आ गई? अब भी चूना लगाना है तुझे, ये दुकान मेरे दोस्त की थोड़ी ना है। अरे कुछ भी कर लेना, चल चल करता हूँ। दीदी क्या ले रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे सब बच्चों के कपड़े हैं। अच्छा हाँ, कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, चलो घर चलो, चलो रिजॉर्ट चलो। वैसे भी आज रात को पार्टी जो है, आपकी एनिवर्सरी जो है। हाँ वो तो है। चलो 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 जल्दी चलो। बड़े यार अच्छा ही है, मैंने सुन लिया था नंद को उल्लू बना रहे हैं। नंद हूँ मैं, नंद ऐसे उल्लू नहीं बनती हूँ। पहली बार दुकान है, कोई खर्चा नहीं हुआ बहन? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, कोई बात नहीं चल अब एनिवर्सरी की तैयारी करते हैं। चलो बहन आज मैं पिंक कलर का लहंगा पहनूंगी।